अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसोबॉन डी सिरप के बारे में। दोस्तों, इस सिरप की कीमत है 570 रुपये। दोस्तों, ये दवा कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल सॉल्ट, कोलेजन और अदर प्रोटीन और कुछ ट्रेस एलिमेंट से तैयार की जाती है। ट्रेस एलिमेंट जिसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और निकल भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये तमाम ही चीज़ें हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये सिरप हड्डियों की ख़राब हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बच्चों की ग्रोथ का रुक जाना, बच्चों के दांत ज़्यादा ख़राब हो जाना, और कुछ बच्चे तो अमूमन अपनी टांगों में दर्द की शिकायत भी करते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए ये दवा बहुत ज़्यादा मुफीद है। अमूमन बच्चों में रिकेट जैसी बीमारियों की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, इस बीमारी में हड्डियां टेढ़ी होने लग जाती हैं और हड्डियों में शदीद तकलीफ रहने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर बच्चे हल्का फुल्का से भी गिर जाए तो उनके हड्डियों में फ्रैक्चर की शिकायत हो जाती है। कुछ बच्चे तो लंगड़ा के भी चलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये दवा इन तमाम चीज़ों से महफूज रखती है। दोस्तों, इस दवा को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 6 साल से कम उम्र बच्चे 1 चाय का चमचा दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे दिन भर में 2 चाय के चमचे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्र रसीदा लोग और वो ख़वातीन जो कि हामला हैं और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, वो लोग भी ये दवा दिन में 1 बार 3 चाय के चमचे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से मालूमात मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।